कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार भले ही कितने ही कदम उठा ले, लेकिन कोटा का चिकित्सा विभाग अभियान की गति रोकने के लिए तुला हुआ है। टीकाकरण के मामले में प्रदेश में 10वें नंबर पर अटके कोटा में चिकित्सा विभाग की लापरवाही इस कदर है कि अभी तक संभाग के सबसे बड़े MBS व जैकेलोन अस्पताल तक में वैक्सीनेशन सेंटर नहीं बनाए गए हैं, जबकि यहां 12 बूंदी झालावाड़ ही नहीं बल्कि MP तक के हजारों मरीजों और उनके परिजनों का जमावड़ा लगा रहता है। वहीं इस मामले में CMHO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तवर का कहना है कि जैकेलोन अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज व मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन सेंटर बना रखा है। सभी CHC व PHC पर वैक्सीनेशन की सुविधा है, घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। वहीं अस्पताल में कार्यरत ठेका कर्मचारियों का कहना है कि MB अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज व तीमारदार आते हैं। कई लोग वैक्सीनेशन के लिए पूछते हैं, अगर अस्पताल में वैक्सीनेशन की सुविधा हो तो आने वाले मरीजों को फायदा हो सकता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर होना चाहिए, काफी रिस्की है मॉल, यहाँ पे भी काफी रश रहता है, बट कोई सुविधा है नहीं यहाँ पे। शायद कुछ कार्मिकों के भी लगने बाकी है, कुछ के बाकी है, काफी लोगों के बाकी है। काफी सारे रहते थे इंक्वायरी के लिए कि कहाँ लग रहा है इधर उधर, काफी फायदा है, काफी बेनिफिट हो जाएगा इसमें। बिल्कुल, यहाँ काम करते हैं मगर हम सोशल डिस्पेंसरी के हिसाब से काम करते हैं, जो भीड़ आती है उसको देखते हुए काम करते हैं, मास्क का भी प्रयोग करते हैं, सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते हैं, उसको देखते हुए काम करते हैं। बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन के लिए भी यहाँ पर आते हैं तो हम PG कॉलेज भेजते हैं, तो मैं यहाँ के कर्मचारियों से और सबसे यही कहना चाहता हूँ और यहाँ के अधिकारियों से कि एक वैक्सीनेशन का सेंटर JK Lohan और MBS में दोनों में एक खोल दिया जाए, ताकि जो लोग आते हैं तो उनका टीकाकरण शांतिपूर्ण तरीके से हो सके और उनको उनका समय पर उनका काम की सुविधा मिल सके। वहीं MBS अस्पताल के उप अधीक्षक डॉक्टर समीर टंडन का कहना है कि वैक्सीनेशन सेंटर कहां कहां लगाना है ये तय करना CMHO का है।